पता था मुझे, पता था कि यही मुसीबत अब घर में शुरू हो जाएगी। पता नहीं अब क्या होगा। पता नहीं क्या मतलब पता नहीं? अरे सबको पता है कि वलीद ने अपनी पसंद से एंगेजमेंट की है। हाई स्टैंडर्ड लड़का, ऐसी लड़की उसने अपने लिए पसंद की, वो क्यों करेगा इस जाहिल गवार से शादी? क्या हो गया तुम रमशा, किस किस्म की बातें कर रही हो? तो सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ जानता ही नहीं है। अरे इतनी बड़ी एंगेजमेंट सेरेमनी हुई है, सारी दुनिया जानती है, कमाल है। नहीं जानते तो ये नहीं जानते। जो भी है, वादा तो हमने किया था ना। वादा किए एक अरसा गुजर चुका है और लड़की इनकी गायब हुई थी, वरना हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन अब बात अलग है, पता नहीं किन हालात में और किन लोगों के साथ रहती रह गई है। मैं तो अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। और यासिर आप? शक क्या करता मैं, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अब शक्ल ही देखता रह गया। लेकिन मैं शक्ल नहीं देखती रहूंगी, ये नहीं हो सकता, किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता। समरा हमेशा अपनी मर्जी करती है, इस दफा नहीं। नो वे। मैं आपकी कुछ मदद कराऊं? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आप भला क्यों मेरी मदद कराने लगी? क्यों, मैं तो यहाँ काम करने आई थी ना, तो अब क्या हुआ? अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप अलिशबा, तो मैं तो आपको किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। तो फिर मैं अब क्या करूंगी? इस तरह तो वक्त नहीं गुजरेगा, मैं तो बोर हो जाऊंगी। आप बस अब इन लोगों के तौर तरीके सीखो, इनकी तरह चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना सीखो। ये घर के काम काज तो आप हम पे छोड़ दो, आप मजे करें। बहुत मुश्किल है कि मुझे इन सब चीजों की आदत हो। आपको पता है शुरू से या तो बाबा मेरे सारे काम करते थे या मैं खुद। मगर अब आप किसी काम को हाथ नहीं लगा सकती। अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी किस्मत नहीं देता। आपको नई जिंदगी मिली है, ऐशो आराम वाली, आप बस इसके मजे लें। ये घर के काम काज मुझ पर छोड़ दें। वैसे तुम्हें याद है बचपन में कैसे हर वक्त बड़ी अम्मी की रट लगाए रखता था, मेरी हर बात मानता था? सुनो अशर, वो अब भी मेरी बात मानेगा ना? अल्लाह करे कि वो तुम्हारी बात मान जाए। लेकिन रमशा भी ठीक कहती है, जमाना बदल गया, पहले वाला नहीं रहा। और समरा वैसे भी वो सना को पसंद करता है। मेरा मशवरा ये होगा कि तुम उसकी बात जरूर सुन लेना, उसे फोर्स मत करना। यस कम इन। बड़ी अम्मी आपने बुलाया? हाँ तुम्हारी बड़ी अम्मी तुम्हें याद कर रही थी, कुछ जरूरी बात करनी है उनको। तुम लोग बातचीत करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है ऑफिस जी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? बड़ी मी देखें, मैं वाकई बहुत खुश हूं कि अलिशबा मिल गई और इस घर में हमारे साथ रह रही है। और आप खुश हैं, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। सना और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, इतने अरसे से जानते हैं, समझते हैं। मगर अगर तुम्हारी अलिशबा से शादी होती है, मैं अपनी गारंटी देती हूँ बेटा, तुम उसको फौरन जान लोगे। लेकिन ऐसे नहीं होता ना, अपनी अपनी जर्नी से गुजरता है इंसान, बदलता है, मैं भी चेंज हुआ हूँ। तुम कोशिश भी नहीं कर सकते?
बड़ी मुश्किल से कोशिश करके जिंदगी में खुद फैसले किए हैं, अब किसी और के फैसले को अपने पे मुसल्लत करके रिस्क नहीं ले सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। सुना जी, आई एम रियली सॉरी। किस लिए? मैंने आपसे शादी के लिए मना कर दिया। क्या वाकई? कसम उठाए जी। हाँ तो और नहीं तो क्या, मैंने आपसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करनी थी? एक्सक्यूज मी बोंगड़ बाबा। बोंगड़ व्हाट? जी हमारे गांव में एक आदमी था, ना हंसता था ना किसी से बात करता था, सब उसको बोंगड़ बाबा कहते थे। आप इस घर के बोंगड़ बाबा है ना, मैं तो यही सोच रही थी आपसे शादी करके मेरा क्या होता, आपने तो मेरी जान बचा ली। और हाँ, जिससे आपकी शादी हो रही है ना वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है, दोनों मोबाइलों की दुनिया में मगन। मुझे तो मोबाइल इस्तेमाल करना भी नहीं आता, आप दोनों की खूब जमेगी। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी, ये बच्चे अब हमारे नहीं रहे, पराए हो गए। लेकिन दादी, अगर वलीद किसी और से शादी करता है तो मैं अलिश्बा की शादी कहीं और कैसे करूंगी? अभी तो मुझे मिली है, मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहती। दादी ऐसा नहीं हो सकता, अलिश्बा मेरे साथ हमेशा रहे। एक ना एक दिन तो उसकी शादी होनी है ना, कि तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें अपनी खोई हुई बेटी मिल गई। अब हमें बस सबको मिलके उसके लिए कोई बहुत अच्छी जगह तलाश करनी, बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करना, इसके साथ वो ज्यादा खुश रहेगी। मैं इसको दोबारा नहीं खोना चाहती। आप रो रही हैं? बिल्कुल नहीं। आओ आओ बैठ। आप इतने आगे का क्यों सोच रही हैं? वो क्यों सोच रही हैं जो अभी हुआ ही नहीं? अभी तो हम मिले हैं, अभी तो मैंने आपके साथ बहुत साल गुजारने हैं। हमें चाहिए कि हम इन दिनों को यादगार बनाएं। जो हमने खोया है उस सबको पाना है हमें वापस। तो फिर हम क्यों पड़ गए इन बातों में कि मेरी शादी कब होगी और किससे होगी? जब होनी होगी हो जाएगी, और वैसे भी मैं इंसान से शादी करूंगी, किसी मशीन से नहीं। बस करो अब रोना। मैं नहीं रो रही। I'm sorry भाई। किस बात का? जो वलीद ने इनकार किया उस वजह से। नहीं, तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वो वलीद और सना एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो मंगनी क्यों तोड़ेंगे? ये बात तो समरा ने कर दी तो कर दी, वरना मेरे जहन में तो कोई तरह की बात थी भी नहीं। अभी तो मेरी ख्वाहिश ये है कि अलिश्बा पढ़े, अपनी एजुकेशन पूरी करे और हमारे खानदान के तौर तरीकों को समझे, फिर आगे जाके हम अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा देंगे। जी क्यों नहीं, शो। लिसन जी, वलीद को बोलो कि सना आई है। अच्छा मैं कहती हूँ। और सुनो, एक कप कॉफी का भिजवा देना।
जी भिजवाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो आपको बुला रही है। कौन? वही खुशकिस्मत जिससे आपकी शादी होने वाली है। वो मुझे बताओ हुआ क्या है? पता नहीं मॉम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही है। She doesn't want us to get married. What? कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, अम्मी और सबसे अच्छी तरह मिल रही थी। That's what she does. But उन्हें अपने रिश्तेदारों के अलावा और कोई नजर नहीं आता। वो चाहती हैं कि मेरी शादी उनके किसी कजन अली के बेटे से हो जाए। Wow. तो फिर अब ये कि शादी से पहले मैं यूएस नहीं जा सकती। शादी में भी साल है सना। नहीं, हमें कुछ दिनों में शादी करनी होगी। तुम अपने घर वालों से बात कर लो, उन्हें जो भी रस्में वगैरह करनी है वो कर ले। बिकॉज माई मॉम शी डजंट वांट अस टू गेट मैरिड, यू अंडरस्टैंड। और उससे पहले मैं यूएस जा नहीं सकती। एंड बिलीव मी, मैंने एंगेजमेंट पे आने से भी उन्हें इसीलिए मना कर दिया था। और अगर वो उनके बगैर हो सकती है तो शादी भी उनके बगैर हो सकती है, नॉट अ बिग डील। तुम बस अपने घर वालों से बात करो, टॉक टू योर पेरेंट्स। अगर वो मानते हैं तो सही है, नहीं तो हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी। वी विल हैव टू डू इट। लोग अगर हमसे पूछेंगे कि लड़की के रिश्तेदार कहाँ हैं, तो क्या जवाब देंगे हम? ये हमारा कोई छोटा मोटा खानदान थोड़ी है। और फिर लड़की की माँ शादी पर नहीं होगी। दादी, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो मंगनी में भी नहीं थी और किसी ने कुछ नहीं पूछा। दादी, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और वैसे भी अगर लड़की शादी को तैयार है तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शादी में कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। वैसे वलीद, तुम कह रहे थे कि सना की अम्मी खुश है इस शादी से। जी, वो मैंने कहा तो यही था। जब से यहाँ आए हैं इरादा उनका चेंज हो गया। सना को लेके जाना चाहती हैं। तो बस फिर एक काम करते हैं ना, कल से तैयारियां शुरू कर देते हैं, बहुत मजा आएगा। तो दादी आप क्या कहती हैं? शुक्र है भाई, किसी ने मुझसे भी पूछा। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर सारी तैयारियां हो गई हैं, तुम लोगों ने फैसला कर लिया है तो ठीक है, हो जाए शादी, करो तैयारियां। ओह समरा, ये लड़का भी ना, बस अब कहता है कि झटपट शादी करवा दे। अरे भाई, इतने काम पड़े हैं, कपड़े, ज्वेलरी, मिठाइयां, कार्ड प्रिंट होने, और ऊपर से I'm sorry, समरा। मैं जानती हूं कि तुम इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन
वलीद और अलिश्बा की शादी मुमकिन नहीं थी। मुमकिन तो बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है, मैं खुद नहीं चाहती कि वलीद की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो। मैं भी तो यही चाहती। अगर अगर वलीद ऐसा चाहता तो मैं क्यों ना चाहती कि अलिश्बा और वलीद की शादी हो जाए। आखिर अलिश्बा मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम्हें। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने सोचा है कि मुझे शादी के लिए अब खुश होना चाहिए। वलीद की शादी अलिश्बा से नहीं तो सना से हो रही है। मैं अब मुतमईन हूं। मैं अब वलीद की शादी मैं उसमें उसी तरह से शरीक होंगी जिस तरह आप अलिश्बा और उसकी शादी पे शरीक हो। बस फिर ठीक है ना, तुम मेरी मदद करोगी। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। चलो। कहाँ लेकर जा रही हो? अरे इतने सारे काम पड़े हुए हैं, अभी तो ज्वेलरी भी सिलेक्ट करनी है। तुम्हारी मर्जी से करूंगी, जो तुम्हें अच्छा लगे मुझे बता देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, कितनी देर से इंतजार हो रहा है तुम्हारा। बस रमशा सही है। अच्छा भाई, आपको अभी तक आदत नहीं बदली ना? समरा तो बना है सड़क से एक दीवाना है करता। लेकिन मैंने तो पेट भर के खा लिया जी। नजर आ रहा है। वैसे बेटे की शादी की तैयारी करनी है, पैसे चाहिए होंगे मुझे। बस खर्चे की बात शुरू। ये मर्द भी बेचारे क्या करें, औरतों ने तो इन्हें एटीएम मशीन बना रखा है कसम से। यासिर, एटीएम मशीन की लिमिट होती है और मुझे पैसे चाहिए अनलिमिटेड, यानी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए भाई। देखो तुम्हारी अम्मी क्या कह रही है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी पे बहुत खर्चा करने वाली है। अम्मी सना शादी तक यहीं रहेगी। क्यों भाई, शादी से पहले वो क्यों यहाँ रहेगी? कोई मसले मसाइल चल रहे हैं अम्मी से, यूजुअली हैंडल कर लेती है। शादी है तो उसने सोचा कि चीजें खराब ना हो जाए, मैंने ऑफर कर दिया। बेटा लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं लगता कि शादी से पहले लड़की आके यहाँ हमारे घर में रहे। तुम लोग भी तो कुछ बोलो ना, सब खामोश क्यों हो? दादी ये बातें अब जरा पुरानी हो गई हैं। अब ये दोनों साथ है यूएस में तो जाहिर सी बात है इकट्ठे उठते बैठते होंगे, खाते पीते होंगे। वलीद बेटे की यही तो अच्छी बात है, सब कुछ सच बता देता है। और आपसे जब बात करता था यूएस से तो वो साथ होती थी। खैर भाई, मुझे ये सब बातें नहीं पसंद। दादी वो कहाँ रहेगी? दादी ठीक कह रहे हैं, वो छोटी है, कहाँ जाएगी? उसे यहाँ रहने दे, तुम उसे आने का कहना। ठीक है नानी, शुक्रिया, आप जाइए। सना ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहीं रहोगी। थैंक यू। वो वलीद ने तुम्हारी अम्मी के बारे में बताया। आई एम सो सॉरी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ बाप को तो बच्चों की शादी में जरूर शरीक होना चाहिए और बच्चों को उनकी दुआओं की बहुत जरूरत होती है। इट्स ओके, माय मदर इज अ लिटिल डिफरेंट। उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। ये शादी भी उनके लिए कोई बिजनेस डील से अलग नहीं है। अगर वो आ भी जाती हैं इस शादी में तो मुझे दुआ नहीं देती, बल्कि वो इस बात की दुआ करती कि यहाँ पे मुझे कोई बिजनेस डील मिल जाए। नहीं नहीं बेटा, माँ बाप तो हमेशा बच्चों की खुशी में खुश रहते हैं। होते होंगे, बट आई डोंट अग्री विद दिस, यू नो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक नहीं है इन मामलों में। इनफैक्ट आई थिंक कि अगर शादी मेरी और वलीद की ही है तो इतनी रस्मों और इतने लोगों की जरूरत भी क्या है, यू नो? एट द एंड ऑफ द डे वलीद और मैंने ही जिंदगी गुजारनी है एक साथ, सो व्हाई बॉदर? यू नो हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो उनका भी ऐसा ही सिनेरियो है। द गर्ल इज अमेरिकन एंड द बॉय इज पाकिस्तानी, दे फेल इन लव और उन्होंने शादी कर ली और बस अपने घर में इन्फॉर्म कर दिया।
तो घर वालों ने क्या कहा? क्या कहना था, शादी के बाद कोई क्या कह सकता है. बट यू आर वेरी लकी बिकॉज वलीद ने इंसिस्ट किया इस बात पे कि हम पाकिस्तान जाकर ही शादी करेंगे, सबको शरीक करेंगे. हाँ, मेरा बेटा बहुत मोहब्बत करने वाला है. एनीवे, यू सेटल डाउन, फिर आती हूँ. ओके, थैंक यू. अस्सलामुअलैकुम दादी. वालेकुम अस्सलाम. जीती रहो. उठ गई तुम? बहुत जोर की नींद आई हुई थी आज दादी. अच्छा, पता है क्या, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ, शुक्र है कि तुम बचपन में ही खो गई थी, वरना ये लोग तुम्हें भी बाहर पढ़ने भेज देते और फिर तुम भी उस वलीद और सना की तरह बेहिस हो जाती. क्या हो गया दादी, खैरियत है? क्या खैरियत बेटा, वो लड़की है ना सना, शादी तक यहीं रहेगी, इसी घर में, अपने ससुराल में. हाँ, इधर ही रहेगी शादी तक, है ना जी बात? हाँ बिल्कुल है, दुल्हन को शर्म नहीं आएगी ऐसे दूल्हे के सामने फिर रही होगी. वैसे आ कब रही है वो? आ क्या रही है बेटा, वो तो पहुंच गई है और सबकी रजामंदी के साथ ऊपर वाले कमरे में रह रही. नाश्ता किया तुमने? नाहिद, नाहिद अलिशबा के लिए नाश्ता तो बना लाओ. फाइनली हमारी शादी हो रही है. या फाइनली. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर वालों को मेरा यहाँ पे आके रहना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा. थोड़ा सा, but it's okay, don't worry about it. एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे. तो मुझे ये बताओ कि ये सारी रस्में कितनी लंबी होने वाली हैं? बिकॉज हमें फिर एक्स्ट्रा लीव लेनी पड़ेगी ना. ऑनेस्टली आई डोंट नो, मुझे भी बहुत बुरी लगती हैं ये रस्में. मम्मी की ख्वाहिश है, क्या करूं, कांट से मच. कितने अच्छे बेटे हो तुम अपनी माँ के, यू नो. और बहुत कम माएं होती हैं ऐसी जो अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करती हैं. प्लीज तुम इस तरह की बातें मत करो. अच्छा सुनो, लिसन, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मस्ट बी टायर्ड, बाद में मिलते हैं. ऑलराइट. अभी तो कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम होगा तो बता दूंगी तुम्हें. नहीं नहीं, मैं नौकरानी नहीं हूँ. तो फिर मालकिन हूँ? जी, असल में मैं बचपन में अगवा हो गई थी, बस अभी मिली हूँ. लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा यहाँ पे काम करते देखा. हाँ, वो तब जब मैं नौकरानी थी. असल में मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ये लोग मेरे खानदान वाले हैं. आपको पता है मेरी बचपन में शादी पक्की हो गई थी. पूछेंगी नहीं किससे? किससे? आपके वलीद से. वलीद से? हाँ, लेकिन आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया. तुमने मना कर दिया? उनके लिए ना सिर्फ आप ही ठीक है. मैं कैसे? ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे हैरत और खुशी दोनों हो रही है ये बात सोचिए कि आप शादी तक यहीं पे रुकेंगी. इसमें हैरत वाली क्या बात है, आप और खुशी क्यों हो रही है? हैरत इसलिए हो रही है क्योंकि जब हमारे गांव में शादी होती है ना, तो दुल्हन जो होती है वो अपने दूल्हे से मिलने का सोच भी नहीं सकती, वो तो महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती. और खुशी इसलिए क्योंकि मैं आपको दुल्हन बनता हुआ देखूंगी. अच्छा चले, अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके सारे काम खुद करूंगी. थैंक यू.
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दादी, जब तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो बात क्या करनी। दादी, तुम्हारी मर्जी से मैं जीऊं या मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई। दादी, मुझे पता है आपको सना का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो करती क्या? मुझे सना के यहाँ आने पे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम छोटों ने तो बड़ों से कुछ पूछना ही छोड़ दिया। मैंने पूछा था। तुमने पूछा नहीं था, तुमने बताया था कि वो यहाँ आ रही है। देखो बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम बाहर जब थे तो उसके साथ घूमते थे फिरते थे, तुम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो, एक दूसरे को समझते हो, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। अच्छा नहीं लगता कि शादी से पहले ही लड़की यहाँ हमारे घर आके रहे। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं, मैं उसे वापस भेज दूँ? बड़े फरमा बरदार हो, है ना? I'm serious, दादी, आप मुझे कहें, मैं उसे भेज दूंगा। मैं नहीं चाहता आप खफा हो, मैं नहीं चाहता इस घर में कोई खफा हो। I want you all to be really happy, okay? जब मस्कीन सी शक्ल बना लेते हो ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। That means आप मुझसे खफा नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं नहीं रह सकती तुम पे खफा। देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। Anything for you, दादी। ठीक है, मुकरना नहीं है बाद में। Absolutely not. Okay. मैंने तुम्हारे लिए ये शेरवानी सिलवाई है और तुम इसे अपनी शादी पे पहनो, है ना खूबसूरत? दादी, आई रियली लव यू, बट ये शेरवानी मैं नहीं पहन सकता। I'm sorry. क्यों बेटा? ऑल है। इतनी खूबसूरत है, तुम्हारे दादा ने भी बिल्कुल ऐसी शेरवानी पहनी थी। वलीद, तुमने वादा किया था, देखो। दादी, इट्स रेड। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सॉरी सॉरी, तुमने वादा किया था। वलीद, शेवी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। you know, I hate surprises. अरे ये सरप्राइज ऐसा है जिसको देखकर ना तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। Really now? क्या है? शहरयार, वलीद, मेरे दोस्त, मेरे यार, तू शादी कर रहा है, तूने मुझे बताया नहीं? सोचो, छोड़ छोड़ छोड़। कैसे? क्या छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कह रहा है लड़के की तरह। तू शादी कर रहा है, तूने मुझे बताया नहीं? वो मैं बस मैं क्या, हाँ यार, वो मैं, शुक्र है आंटी ने मुझे बता दिया ना। तू तो अपने बचपन के दोस्त को भूल ही गया था यार। अरे नहीं भाई, भूल कैसे सकते, इनविटेशन भेजने ही वाली थी मैं। आंटी, मुझे इनविटेशन की क्या जरूरत है, मैं तो अब आ गया हूँ ना यहाँ पे। आ ही गया हूँ यहाँ पे, मतलब पूरे दो महीने की छुट्टी लेके आऊँ ना जर्मनी से तुम्हारी शादी के लिए। अच्छा, ओके, ग्रेट, वंडरफुल। मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, आ गया था। बस रहने दे, सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने बचपन के दोस्त को नहीं भूल सकता, क्यों आंटी? अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं कुछ काम निपटा लेती हूँ। अच्छा आंटी, खाना लगवा देंगी प्लीज, बहुत भूख लगी है। जर्मनी में तो पाकिस्तान के खाने कहाँ मिलते हैं, आपको पता है ना, बड़ी याद आ रही। अभी लगवा। थैंक यू आंटी। सुना भाभी यहाँ रह रही है? हाँ, यही रह रही है। तुम मिलवाओ ना भाई को यार। हाँ मिलवाऊंगा, अभी मेरे ख्याल से सोई भी हैं तो जब उठेंगी तो मिलवा लूंगा। अच्छा चल ठीक है। अच्छा एक बात बता, भाभी वही की है, गोरी है? वही की है, गोरी नहीं है। तो क्या काली है? पाकिस्तानी है, वहां सेटल्ड है। फिर ठीक है, वरना मैं तो जर्मनी में अंग्रेजी अंग्रेजी सब भूल गया भाई, तमाशा बन जाता उनके सामने है। अच्छा मैं क्या कह रहा था, अभी मैं चलता हूँ कमरे में, ठीक है, फिर मिलते हैं, क्योंकि मेरे यार की शादी है। ओ मेरे यार
की शादी है। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहरयार, वलीद का दोस्त, फ्रेंड, वलीद फ्रेंड, बचपन, कैसे कहूँ, वी वर वेरी स्मॉल एंड वेयर सेम कलर चड्डी, बेस्ट फ्रेंड। या भाभी लिसन, अरे वी फ्रेंड्स भाभी। हाँ हाँ, बात तो मैंने की थी, बट वलीद वाज सेइंग कि सारी रस्में तो करवानी पड़ेंगी, यहाँ ऐसे ही होता है यार। या इट्स ओके, इट विल बी फाइन। ओके, और अब बाय बाय। यस, वाह इतनी बड़ी हो गई यार तुम। जी जी की बच्ची, पहचान ही नहीं मुझे। ये आप है कौन और ये किस तरीके से मुझसे बात करें? मैं कहाँ याद होगा, 4 साल बड़ा जो हूँ मैं तुमसे। पर अच्छा हुआ तुम मिल गई, पता है कहाँ गायब थी तुम इतने अरसे से, अभी भी नहीं पहचानी? देखो मैं तुम्हें नहीं पहचानती, ना ही मैं तुम्हें पहचानना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरा दिमाग खाना बंद कर दो। समझ में आई है तुम्हें बात कब से बोले जा रहे हो? बोले सना सना, मेरे बचपन का दोस्त है शरिया, शरिया मेरी तुम्हारी भाभी सना। ये भाभी है? सॉरी भाभी, मैंने अलिशबा समझा यार। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कोई और समझा भाभी। कोई बात, मैं समझा वो कोई बात अलिशबा है। हो जा, रियली सॉरी। किसने लिया मेरा नाम? आप अलिशबा हैं जी, और ये सना है जी। अलिशबा सना, सॉरी भाभी, मैं इसको सना समझा था और आपको अलिशबा समझा था। वैसे मैं वलीद का दोस्त हूँ, आज ही जर्मनी से आया हूँ डायरेक्ट आपकी शादी में शिरकत करने के लिए। बताया तो होगा तुमने, ये सब तो आपने पहले भी बता दिया था। और क्या बताया था आपने? हाँ कि आप और वलीद एक जैसी। एक जैसी क्या? एक जैसी चड्डी बचपन में। मैंने लंगोटिया यार का मतलब समझा रहा था यार, क्या करता पसंद ही लेगी। अच्छा तो आप अलिशबा हैं? जी। तो आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? आपके कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। दादी मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, जिनका रंग अच्छा है उनका काम अच्छा नहीं, और जिनका काम अच्छा है उनका रंग बहुत बुरा है। नहीं नहीं आप छोड़ें, मुझे तो इनमें से कुछ नहीं अच्छा लगा। मैं अपनी डिजाइनर से कहकर जो मुझे चाहिए मैं वो बनवा लूंगी। खैर ऐसे बुरे नहीं है, मुझे तो एक आध पसंद आया मतलब। अरे मैं यही कह रही थी कि बेटा सना तुम इसमें से अपने लिए कुछ पसंद कर लेती। ये कपड़े आई डोंट थिंक सो, मैं इतने भारी कपड़े पहनती नहीं हूँ एक्चुअली। भारी? बेटा हम तो शुरू से यही ऐसे ही कपड़े पहनते आए हैं। एक्चुअली इसने कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं है। कैन वी ट्राई समथिंग डिफरेंट इफ यू डोंट माइंड? कौन सा, सारा साल पहनने होंगे, कभी कभार पहन लेना बेटा। आई एम सो सॉरी बट मैं ये सब नहीं पहन सकती। इन फैक्ट आई वाज थिंकिंग कि जो बारात का भी जोड़ा होगा वो भी इतना हैवी ना हो, बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी सो हॉट एंड यू नो, सो आई डोंट थिंक सो। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो तुम मेरी डिजाइनर के पास चली जाओ, वहां पे जो भी चीजें हैं वहां से तुम सिलेक्ट कर लो। कैन्ट सी अबाउट दैट, असल में मैंने खुद भी कुछ जोड़े सिलेक्ट किए हैं तो वो कल तक आ जाएंगे, देन वी विल सी। शॉपिंग शुरू हो गई? हाँ। क्या हुआ? आज कपड़े वाला आया था, कुछ कपड़े उसके बहुत अच्छे थे और मैं चाहती थी कि सना जरूर पहने। That's very good. तो दिखा देती उसे। उसने देखे ही नहीं, और जब उसने देखे ना
उसने कपड़ों की इतनी बुराई करनी शुरू कर दी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की उससे। तो इसमें इतना डिप्रेस होने वाली कौन सी बात है? उसे इस तरह के कपड़े पसंद नहीं हुए। यासिर, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बहू बिल्कुल मेरे जैसी हो, मेरी तरह सोचती हो, मेरी तरह बात करती हो, और उसकी पसंद भी ना बिल्कुल मेरे जैसी। लेकिन ये सना जो है ना, ये कुछ अलग ही है। बल्कि इसकी सोच जो है ना, दूसरे लोगों से कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ठीक है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ना, उसका कल्चर डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, बाहर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वलीद को पसंद है। हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिक्र कैसे ना करूं मैं? पता नहीं शादी के बाद उसका ख्याल रखेगी भी कि नहीं। और वलीद को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना कि शादी के लिए सिर्फ किसी को पसंद करना जरूरी नहीं होता। शादी के बाद ना और बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, वो कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहा ना? नहीं, हमारा बेटा बहुत अकलमंद है। तुम खामखा वहम कर रहे हो। Just relax. Hope so. Are you serious? वो शादी तक यही होगा? क्या करूं मैं? मुझे भी इन्होंने तभी बताया जब वो यहाँ आ चुका था। मैं तो उससे मिलता भी नहीं था। खामखा फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। फ्रैंक नहीं हो रहा, उसका सिर्फ मोहब्बत का इजहार करने का तरीका है। तो वो मुझसे क्यों इतना प्यार जता रहा है? Just trying to be friendly. नहीं, बहुत अजीब है यहाँ, सब कुछ बहुत अजीब है। वलीद, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ। Why? What happened? जल्दी से शादी करते हैं और चलते हैं यहाँ से। हाँ तो हो जाएगी शादी, कुछ दिन की बात है। चंद दिन यार वलीद, कितने होते हैं चंद दिन? देखो बेटा, मुबारक हो, तुम लोग के शादी के कार्ड छपकर आ गए। बस अब 20 दिन में तुम्हारी शादी है। 20 दिन? हाँ। लेकिन मुझे तो पता लगा था कि बस कुछ दिन की बात है, 20 डेज का तो किसी ने नहीं बताया था। हाँ बस कुछ ही दिन तो है, अरे पता भी नहीं चलेगा वक्त का। मैं अपने बच्चे की शादी में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। दादी, क्या बात कर रही हैं आप? किस तरह बात कर रही हो तुम? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ दादी। शायद आपको एहसास नहीं है इस बात का, बट हमारी जॉब्स हैं वहाँ पे। बेटा, जॉब की तुम्हें जरूरत होगी, मेरे बच्चे को तो कभी भी जॉब की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी 20 दिन से पहले तो शादी हो ही नहीं सकती। इतना अरसा इस जगह पे, इस मुल्क में मैं नहीं रह सकूंगी वलीद। चलो चलते हैं यहाँ से, हम वहां जाके शादी कर लेंगे ना, और तुम अपने रिश्तेदारों से मिल तो लिए। सना, जो तारीख इस कार्ड में लिखी है उसी दिन शादी होगी। तब तक तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। अंडरस्टूड?